थोड़ा तो विवेक का परिचय दिया है समाजवादी पार्टी। सुखदेव जी, घनश्याम तिवारी दोनों बोलना चाह रहे हैं, पहले विजय त्रिवेदी को सुन लेते हैं उसके बाद आता हूं। विजय जी, पहले तो कैश कांड पर बोलिए। 50,000 तो छोटी सी रकम होती है, पर क्या हम इसका तिल का ताड़ बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं क्या? पर क्या जगदीप धनखड़ भी सही है भाई? उनकी सभापति होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन को बताएं। देखिए, कैश कांड को 50,000 तो अलग मुद्दा है, वैसे मेरे लिए तो 50,000 बड़ी रकम है, आप लोग बड़े लोग हैं तो आपके लिए छोटी रकम होगी। लेकिन ये मुद्दा कैश कांड की बजाय सिक्योरिटी लैप्स का भी है। कि सिक्योरिटी लैप्स भी है कि यदि अभिषेक मनु सिंघवी जी का पैसा नहीं है तो कैसे वहां पर पैसा आया। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि जो नई संसद है और पुरानी संसद है उसके अंदर भी कैमराज लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑटोमेटिक कैमरा है, तो वहां पे पता चल जाएगा कि किसने पैसा वो रखा, किसका पैसा है, किसका पैसा नहीं है। सिंघवी जी का भी है, सिंघवी जी का भी है, लेकिन सिंघवी जी ने मना कर दिया, तो उसको मानने का वो जब तक जांच नहीं होती तो हो सकता है, और है भी तो कोई अपराध नहीं है उसमें, पहली बात। दूसरी बात, जो सभापति हैं उन्होंने कहा कि उस सीट पर रखा गया था, पैसा मिला था वहां पर उस सीट के आसपास, जो सीट 222 है, जो अभिषेक जी की है। मतलब उन्होंने अभिषेक जी के लिए नहीं कहा कि अभिषेक जी का पैसा गिर गया या अभिषेक जी का रखा गया। लेकिन ये तो टेक्निकल चीज है, और धनखड़ साहब तो वाजपेयी जी की तरह से बहुत वरिष्ठ वकील रहे हैं, चेयरमैन भी हैं, तो ये टेक्निकल तरीके से है। मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत थी कि वो ये बताया जाए कि अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर मिला पैसा, इसका एक पॉलिटिकल एंगल है कायदे से, उसकी जरूरत नहीं थी। और चेयरमैन की तो जिम्मेदारी थी कि वो उसकी पूरी जांच करके फिर बताते हाउस को कि भाई ये मामला हुआ था, कोई वो सिक्योरिटी उस तरह से तो थी नहीं कि कोई गन मिल गई हो वहां पे, तो हाउस को बताते कि ये मामला है, यदि अभिषेक जी का है तो भी बता देते या किसी और का है, और क्या ये प्रिविलेज का मामला है, क्या प्रिविलेज मोशन रखा गया अभिषेक मनु सिंघवी जी के खिलाफ, नहीं हुआ, तो ये एक इस तरह से इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अब क्या आगे होगा, सरकार कहां जाती है, लेकिन मैं हैरान हूं चेयरमैन लीडर ऑफ द हाउस नड्डा साहब कौन है पता है आपको, लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा में, और उधर लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा, तो आप सोचिए कितना गंभीर मुद्दा होगा कि तीन लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। यदि रूल्स की बात कर रहे हैं, प्रिविलेज की बात कर रहे हैं, तो पिछले दिनों को आप देखें, आपने 2008 का जिक्र तो किया ही है, जो 22 जुलाई 2008 को हुआ, उससे पहले 93 का जिक्र वाजपेयी जी कर रहे थे, जब झारखंड वाला जो मामला हुआ कैश कांड का, उसके बाद अभी पिछले दिनों हमारी जो सांसद हैं अब टीएमसी की महुआ मोहित्रा, उसका उनका एक मामला हुआ था कैश फॉर क्वेरी का, वो भी हुआ। उससे पहले राज्यसभा में ही फरवरी 2023 में कांग्रेस की सांसद है रजनी पाटिल, वो वीडियो शूट कर रही थी, उस पर प्रिविलेज मोशन हुआ, उस पर सस्पेंड वो हुआ, उनको सस्पेंड किया गया। उससे पहले वेंकैया नायडू जब वो थे चेयरमैन राज्यसभा के, उस समय भी एक मामला हुआ, उसमें भी सस्पेंड किया गया, उस समय भी रिकॉर्डिंग करके उसको बाहर भेजा गया। उस समय रेफरेंस दिया गया जो आज पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान साहब, वो लोकसभा के एमपी थे, तो उन्होंने वहां पर फेसबुक लाइव कर लिया था पार्लियामेंट के अंदर से, तो वो भी मामला हुआ था। तो संसद के प्रिविलेज मोशन का मतलब है कि संसद की जो मर्यादा है वो बनी रहे, प्रिविलेज बना रहे, इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। संसद में माननीय सांसदों की कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होती, मैं आपको जिक्र बताऊं कि वहां पर आप क्या लेकर जा रहे हैं, ये रूल्स में है, इस तरह से गाइडलाइंस है, इसको कहना चाहिए कि भाई सांसदों को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन सांसदों की कोई फ्रिस्किंग या चेकिंग वहां पर नहीं होती, ना तो हाउस के अंदर ना कैंपस में, तो इसलिए वो सांसदों की जिम्मेदारी पर है, और या चेयरमैन और वो लोग देख रहे हैं। एक और मसला मुझे अभी याद आया कि पिछले से जो लोकसभा चल रही थी, तो कुछ दक्षिण भारत के सांसद थे, वो एक बड़ा कैश अमाउंट लेकर आ गए थे हाउस में, ठीक है, और उन्होंने वहां के वॉच एंड वार्ड को कहा कि भैया ये पैसा हम हाउस के अंदर नहीं ले जा सकते, तो आप रख लीजिए, जब हम आएंगे तो ले जाएंगे। तो फिर उन्होंने वॉच एंड वार्ड ने मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरीट है उसके लॉकर में उस पैसे को रख दीजिए। तो ये तो छोटी घटनाओं का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि किस किस तरह की घटनाएं वहां पर पार्लियामेंट में होती रहती है। और जो कैश कांड 2008 का जिक्र कर रहे हैं, वो तो चेयरमैन लोकसभा स्पीकर को पता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डिप्टी स्पीकर के बहाने से हाउस के अंदर रख दिया था, वो भी एक तरह का अलग तरीके का प्रिविलेज मामला था। खैर, तो ये सब चल रहा है, अब क्या कैश है, करप्शन है, डिजिटल है, तो इन सिन्हा साहब ने बात बताई कि वो डिजिटल पे पैसा नहीं रखते, उनको एक चीज याद रखते हैं, कैश नहीं रखते हैं। तो एक चीज याद दिलाऊं, एक घटना और मुझे याद आ गई तो इन सिन्हा साहब के नाम से, कि वेंकैया साहब थे, वेंकैया नायडू साहब, वो अपने हैदराबाद से दिल्ली आ रहे थे, तो नॉर्मली तो उनके साथ कोई ना कोई रहता था, उस दिन एयरपोर्ट पर कोई उनके साथ नहीं था, अब वो फ्लाइट उनकी हो गई लेट, तो उनको कॉफी पीने का मन हुआ, और उनकी जेब में भी तुहिन सिन्हा की तरह पैसे नहीं थे, और उस समय डिजिटल भी नहीं चलता था, तो वो काफी देर घूमते रहे एयरपोर्ट पे भी कोई मिल जाए और पिला दे कॉफी। वो घूमते घूमते एक सीसीडी जो था वहां पर हैदराबाद में,
एयरपोर्ट पर उसके पास गए तो उनका मैनेजर उनको मिल गया और उसने कहा कि सर कैसे हैं, आपको देखते हैं ये है वो। वेंकैया जी बोले कि मेरा मन कॉफी का इतना था कि मैं सोच रहा था ये फालतू बात कर रहा है, कम से कम कॉफी के लिए तो कह दे। तो वो कॉफी उस दिन नहीं मिली और उन्होंने कहा उसके बाद मैंने तय कर लिया कि जेब में कुछ ना कुछ कैश रखना चाहिए। सही बात है। और ये प्रैक्टिकलिटी है, ऐसा नहीं है कि पैसा कैश, बहुत बार तो डिजिटल का नहीं काम आ रहा है लेकिन बहुत जगह नहीं चलता, इंटरनेट नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। सही है।